करेंगे मन की मुरादें पूरी करेंगे मन की मुरादें उन पे यकीन तू रखना जाते हो अजमेर पिया ख्वाजा दुहाई तुझको मिले इस दुख से रिहाई तेरी बदल देंगे वो किस्मत सबकी नैया पार लगाई उनकी जहां में शान निराली दर से नहीं ताला है खाली जाते हो अजमेर पिया ख्वाजा से तुम कहना दर्द बयां सब दिल के मेरे ख्वाजा से तुम करना करेंगे पूरी जाते हो अजमेर पिया ख्वाजा से तुम कहना दर्द बयां सब दिल के मेरे ख्वाजा से तुम करना पूरी
करेंगे मन की मुरादें पूरी करेंगे मन की मुरादें उन पे यकीन तू रखना दर्द भरा सब दिल गुनाहों से करो तौबा कयामत आने वाली है न कर्जा का भरोसा एक दिन ये जाने वाली है भरोसा करना है तो उस पे कर जो साथ छुपा लेंगे वही महशर में जिनकी कमली काली है भरोसा करना है तो उस पे कर जो जाते आली है छुपा लेंगे वही महशर में जिनकी कमली काली है जनाबे शौक कहते हैं मतले में हदीसों से खबर सुनिए अलामत कया हदीसों से खबर सुनिए अलामाते कयामत की के ये पेशीन गोई है शहंशाह रिसालत की के ये पेशीन गोई है शहंशाह रिसालत की के ये पेशीन गोई है शहंशाह रिसालत की हदीसों से खबर सुनिए के ये पेशीन गोई है शहंशाह रिसालत की 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 से जो कैसे हम सुना रहे हैं क्या क्या निशानियां हैं उसकी सरकारे दो आलम ने क्या फरमाया है मुलाहजा कीजिए खुदा ने राज जो महबूब को अपने बताया है वही हाले कयामत को सहाबा को सुनाया है खुदाए पाक ने सरकार को वो इल्म बख्शा था कि माजी हाल मुस्तकबिल उन्हें मालूम होता था नबी के गैब पर जो शख्स भी ईमान लाएगा उन्हें खुद अपना जैसा या बड़ा भाई बताएगा वो गोते खाएगा बहरे मुआसी के तला तुम में बिला तौबा किए मर कर वो जाएगा जहन्नम में जो मोमिन भी यकीन लाएगा बेशक फैज पाएगा करे
करेगा जो अमल सुन्नत पे वो जन्नत में जाएगा। ये सब मजमून आका की हदीसों ही से पाया है। कयामत होने से पहले सुनो क्या होने वाला है। कयामत तक सुनो हालात कैसे कैसे आएंगे। मेरे आका रसूले पाक अब क्या क्या बताएंगे। ख्याल आते जहां से इस घड़ी रूपोश हो जाओ। दुरूदे पाक पढ़ लो और हमातन कोश हो जाओ। रसूले पाक एक दिन मस्जिदे नबवी में बैठे थे। फजा थी नूर की हर सू गुले रहमत बरसते थे। सहाबा बा अदब बैठे थे आका की हुजूरी में। ज़ियाए कल्ब हासिल करते थे दरबारे नूरी में। यकायक आप फरमाने लगे बातें कयामत की। यकायक आप फरमाने लगे बातें कयामत की। यकायक आप फरमाने लगे बातें कयामत की। जिन्हें सुन सुन के हालत हो गई अब तर जमात की। एक दिन सरकार दो आलम मस्जिद नबवी में बैठे हुए कयामत की निशानियों के बारे में कुछ बता रहे थे। ये सुनकर सहाबा एकदम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन आप फरमाने लगे। क्या फरमाने लगे समाप्त कीजिएगा। हुए चेहरे सभी के सर्द जो खौफे कयामत से, तो सरकार दो आलम ने ये फरमाया मोहब्बत से। नवाजेगा खुदाए पाक तुमको शाने रहमत से। न पहुंचेगी तुम्हें तकलीफ कोई भी कयामत से। ये सुनते ही सहाबा एकदम शादा नजर आए। दुरूदे पाक पढ़कर शुक्र खालिक का बजा लाए। अदब से अर्ज की माँ बाप कुर्बान आप पर आका। कयामत जब करीब आएगी उस दम हाल क्या होगा। ये फरमाया रसूले पाक ने अपने सहाबा से। सुनाता हूँ तुम्हें हालात में कुर्बे कयामत के। कयामत आने से पहले जमाना ऐसा आएगा। दिलों से आदमियों के खुदा का खौफ जाएगा। न कुछ आगाज सोचेंगे न कुछ अंजाम सोचेंगे। के कारे बदही को इंसान अच्छा काम सोचेंगे। करेंगे नफ्स की खातिर सितम वो अपनी जानों पर। रहेगा नाम ही खाली शरीयत का जुबानों पर। मुसलमान खूब जी भर कर
करेंगे अपनी मनमानी, उन्हें अपने गुनाहों पर न होगी कुछ पशेमानी। तलब होगी मुसलमानों को बस दिन रात दुनिया की, करेंगे बैठ कर मस्जिद में वो हर बात दुनिया की। सजा कर मस्जिदों को अपनी वो दुल्हन बनाएंगे, सजा कर मस्जिदों को अपनी वो दुल्हन बनाएंगे। सजा कर मस्जिदों को अपनी वो दुल्हन बनाएंगे। इबादत से मगर अल्लाह की वो जी चुराएंगे, इबादत से मगर अल्लाह की वो जी चुराएंगे, इबादत से मगर अल्लाह की वो जी चुराएंगे, इबादत से मगर अल्लाह की वो जी चुराएंगे। फरमाते हैं जब कयामत करीब होगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हजरात सुनिए कैसा हो जाएगा। सजाकर मस्जिदों को मुसलमान दुल्हन की तरह मस्जिदों को सजाएंगे, लेकिन इबादत से जी चुराएंगे। और क्या क्या होगा सुनिए। खुलूस व ज़ोहद व तक्वा होगा उनमें बस दिखावे का, रियाकारी तकब्बुर और हसद दिल में भरा होगा। पुराने पाक सीखेंगे वो अपना नाम करने को, करेंगे इल्म दी हासिल वो अपना पेट भरने को। मुसलमानों के आलिम कौम में फितने उठाएंगे, जमाने में वो अपने नाम का सिक्का जमाएंगे। जहां में झूठ की भरमार होगी सच नहीं होगा, अमल जिसके बुरे होंगे वही मसनद नशी होगा। हदीसे पाक के मुनकिर बनेंगे लोग दुनिया में, हदीसे अपनी जानिब से गढ़ेंगे लोग दुनिया में। हर एक इंसान दुनिया में पुजारी होगा दौलत का, के दामन छोड़ देंगे आदमी सब्र व कनात का। उसूले जिंदगी होंगे न कोई कायदा होगा, जमाना जो भी आएगा वो पहले से बुरा होगा। जहां में ऐशो इशरत के तरीके भी नए होंगे, के रस्में भी नई होंगी अकीदे भी नए होंगे। दिलों में जज्बे इंसानियत बाकी नहीं होगा, अदब इंसाफ और शर्मो हया कुछ भी नहीं होगा। मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे, मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे, मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे। बरोजे हश्र ऐसे लोग सब दोज़ख में जाएंगे, बरोज़े हश्र ऐसे लोग सब दोज़ख में जाएंगे, बरोज़े हश्र ऐसे लोग सब दोज़ख में।
سامعین حضرات، قیامت کی نشانیاں اس وقت آپ سن رہے ہیں، ایک ایک لفظ غور کر کے سنیے سرکار دو عالم نے کیا فرمایا ہے، قیامت جب نزدیک ہوگی تو کیسے حالات ہوں گے اس دنیا کے، لیجیے ایک بند اور ملاحظہ کیجیے گا۔ جو چھوٹے ہوں گے وہ باتیں بڑوں کی ٹال جائیں گے، کہ بوڑھے باپ ماں کو گالیاں دے کر ستائیں گے، اطاعت شوہروں کی بیویاں سب چھوڑ بیٹھیں گی، وہ فرمان رسول اللہ سے منہ موڑ بیٹھیں گی، بہت کثرت سے ہوں گی عورتیں اور مرد کم ہوں گے، حیا ہوگی نہ ان میں مرد عورت بے شرم ہوں گے، کریں گی عورتیں فیشن برے چالو چلن ہوں گے، بدن چمکے گا سب باریک ان کے پیرہن ہوں گے، جوئے کا شوق ہوگا گھر بگھر خانہ خرابوں کے، مسلمان بھی پیئیں گے جام بھر بھر کے شرابوں کے، مسلمان عورتیں بازار میں بے پردہ گھومیں گی، بہانہ کر کے وہ آسیب کا مستی میں جھومیں گی، گناہوں کی گھٹا سے شام ہو جائے گی دنیا میں، زناکاری کی کثرت عام ہو جائے گی دنیا میں، مسلمانوں کی کثرت ہوگی عظمت کچھ نہیں ہوگی، جہاں والوں کی نظروں میں حقیقت کچھ نہیں ہوگی، خدا کے نام پر خیرات کرنا بھول جائیں گے، نماز و روزہ اور حق بات کرنا بھول جائیں گے، بہت کنجوس ہوں گے لوگ ہوگا پیار دولت سے، بچیں گے مال والے سب غریبوں کی حمایت سے، جو تاجر ہوں گے کھائیں گے قسم اور جھوٹ بولیں گے، وہ سودا لینے اور دینے میں کم زیادہ بھی تولیں گے، احادیث رسول اللہ کی یہ ترجمانی ہے، خوف خدا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے، حیا خوف خدا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے، حیا خوف خدا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے، حیا خوف خدا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے۔ سے رسول اللہ کی یہ ترجمانی ہے، حیا خوف خدا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے۔ حضرات آگے اور سنیے، جہاں میں قتل اور غارت گری کا دور آئے گا، جنوں میں آدمی ہی آدمی کا خون بہائے گا، زبان تک ہی فقط محدود سب کی دوستی ہوگی، بظاہر دوستی ہوگی
दिलों में दुश्मनी होगी। कसम खा कर करेंगे वादा, उसको तोड़ डालेंगे। करेंगे खूब गीबत, राज पोशीदा उछालेंगे। अमानत में खयानत करने वाले होंगे कसरत से, उसे ताबीर देंगे आदमी माले गनीमत से। करेंगे कौम को गुमराह रहबर उस जमाने के, उन्हें कुरियाद होंगे मुफ्त में पैसा कमाने के। कोई जालिम को जालिम कहने वाला तक नहीं होगा, किसी में हौसला हक कोई का बेशक नहीं होगा। करेंगे लोग इज्जत जालिमों की बदमाशों की, कोई वक्त न होगी नेक लोगों हक शनासों की। जो नालायक बशर होंगे वही बस हुक्मरान होंगे, उन्हीं का दबदबा होगा कि जो ना मेहरबान होंगे। बनाएंगे मकान ऊंचे, करेंगे फख्र की बातें। मिलेगी जिनको सरदारी, करेंगे वो खुराफातें। करेंगे पैरवी शैतान की, उसकी बात मानेंगे। खुदा के दीन की बातों को वो अफसाना जानेंगे। हर इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा, हर इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा, हर इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा। हराम अच्छा लगेगा और हलाल अच्छा नहीं होगा, हराम अच्छा लगेगा और हलाल अच्छा नहीं होगा। आलिम आज है उस वक्त वो आलिम नहीं होगा, कुंवारी लड़कियां बच्चे जनेंगी गम नहीं होगा। बुराई को भला समझेंगे सब इंसान आइंदा, के उनके फेल से होंगे सभी हैवान शर्मिंदा। बहम उल्फत न होगी बेमुरावत आदमी होंगे, उन्हीं में 30 ऐसे होंगे जो झूठे नबी होंगे। करेंगे दावा वो दुनिया में हम भी हैं नबी रब के, हमारी बात मानो के हम ही सरदार हैं सबके। समाना बाद उसके आएगा फिर मालदारी का, मगर सदमा न होगा दूर दिल से बेकरारी का। जिमी उगलेगी सोने चांदी के लंबे सुतूनों को, वो सोना जिसकी खातिर तोड़ा मजहब के उसूलों को। कोई भी मुस्तहिक होगा ना उस दम सदका लेने का, गरीबी का ना दुनिया में कहीं नामो निशा होगा। अजीजो अकरुबा की चाह होगी सर्द दुनिया में,
करेंगे बीवियों की ताबेदारी मर्द दुनिया में। अगर रूठेगी बीवी तो उसे शौहर मनाएगा, मगर माँ बाप को बीवी के कहने पर सताएगा। मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी, मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी। मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी। मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी, मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी, मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी, मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी। जमात ऐसी होगी मुजाहिद मुबल्लिग जो राह हक पर चलने वाली होगी, वो कैसे लोग होंगे समाप्त कीजिएगा। मुसलमान होंगे उनमें ऐसे शम्मे हक के परवाने, रसूले पाक की उल्फत में हो जाएंगे दीवाने। ये फरमाया नबी ने नेक बंदे होंगे वो ऐसे, चलेंगे वो मेरे रास्ते पे और मेरे सहाबा के, मेरी सुन्नत अदा करने में वो हर किस न चूकेंगे, मेरी तासीम अजमत को सभी से बढ़ के जानेंगे। मोहब्बत होगी रब के नेक बंदों और बलियों से, अकीदत होगी मुझसे और सब अल्लाह के नबियों से। ये हसरत होगी उनको अपना सब कुछ चाहे खो जाए, मगर हमको रसूल अल्लाह का दीदार हो जाए। करेंगे लोगों की इस्लाह सीधी राह दिखाएंगे, के हक को हक कहेंगे अज्र वो अल्लाह से पाएंगे। नमाजी नेक होंगे मेरे सच्चे उम्मती होंगे, करूंगा मैं शफात उनकी वो सब जन्नती होंगे। फिर उसके बाद दुनिया में जमाना ऐसा आएगा कि जो ईमान वाला होगा वो दुनिया से जाएगा। मुसलमान ऐसे भी होंगे कि नियत बहक जाएगी, कि फारस रूम वालों की उन्हें तकलीद भाएगी। जहां मसरूफ हो जाएगा फिर गाने बजाने में, खुदा का नाम लेवा एक नहीं होगा जमाने में। बहुत से सलसले आएंगे आधी सुर्ख आएगी, बहुत से सलसले आएंगे आधी सुर्ख आएगी। सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी, सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी, सभी
سامعین حضرات، ابھی آپ نے سنا بہت سے زلزلے آئیں گے، آندھی سرخ آئے گی، سبھی دنیا میں آفت اور تباہی پھیل جائے گی، اس کے بعد اور کیا کیا ہوگا؟ لیجیے آگے سنیے۔ فلک سے سنگ برسیں گے، بگڑ جائیں گی سب شکلیں، دھسیں گے کچھ زمین میں لوگ، ماری جائیں گی نسلیں، رسول پاک نے پھر اس طرح پیشین گوئی کی کہ اس کے بعد ہوں گے بادشاہ ظاہر تو ایسے بھی، تکبر اور طاقت اپنی لوگوں کو دکھائیں گے، سبھی پر وہ مویشی کی طرح ڈنڈا بجائیں گے، یمن کا ایک قحطاتی بھی ہوگا ظلم کا پتلا، غلامی چھوڑ کر وہ بادشاہ بن جائے گا، ایسا کرے گا اپنی منمانی، زمانے کو ستائے گا، خدا کو بھول کر دنیا میں شان اپنی دکھائے گا، وہ ہوگا دوسرا حبشی کے جو مکہ کو جائے گا، چڑھا کر فوج اپنی شہر پر کعبہ گرائے گا، نکالے گا خزانہ کعبے کے نیچے سے کھدوا کر، اٹھائے گا وہ فتنے اور کرے گا ظلم دنیا پر، پھلوں میں بھی کمی آ جائے گی اس وقت عالم میں، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا پھر شادی و غم میں، جماعت پھر مسلمانوں کی پیدا ہوگی تھوڑی سی، مدینہ اور مکہ ہی میں ہوگی سلطنت ان کی، کریں گے صلح ملک شام میں عیسائی اور مومن، کہ تا امن و اماں کے ساتھ گزریں زندگی کے دن، کبھی اقرار ہوگا دونوں میں الفت بڑھائیں گے، کبھی اقرار ہوگا دونوں میں الفت بڑھائیں گے، کبھی اقرار ہوگا دونوں میں الفت بڑھائیں گے، کبھی دشمن کوئی آیا تو دونوں ہی بھگائیں گے، کبھی دشمن کوئی آیا تو دونوں ہی بھگائیں گے، کبھی دشمن کوئی آیا تو دونوں ہی بھگائیں گے، کبھی دشمن کوئی آیا تو دونوں ہی بھگائیں گے۔ بڑھ کے جائے گا، چھڑے گی جنگ دونوں سمت سے پھر تیر برسیں گے، چلے گی تیغ رن میں دو سپاہی جان دے دیں گے، مسلمان اور عیسائی جو ملک شام کے ہوں گے، لڑیں گے خوب مشترکہ دکھائیں گے اپنے، لڑائی میں فتح پائے گا اس دن شام کا لشکر، وہ سب مال غنیمت لے کے ٹھہریں گے وہاں شب بھر، صبح کو واپسی میں جب وقت
सफर में एक जगह लश्कर को वो ठहराएंगे दोनों। जगह एक टीलों वाली होगी, ज्यादा पेड़ भी होंगे, वहीं ठहरेंगे आकर दोनों के लश्कर करीने से। सलीबी साई एक लेकर कहेगा इसकी बरकत है, बड़ी हिम्मत जवां मर्दी से हमने जंग जीती है। मुसलमान छीन कर उससे सलीब उस वक्त तोड़ेगा, तभी ईसाई और मोमिन लड़ेंगे जंगे मगलूबा। सभी ईसाई चारों सिमत के हो जाएंगे शामिल, शहादत बादशाह मोमिन को फिर हो जाएगी हासिल। वहां 9 लाख से ज्यादा लड़ेंगे जबकि ईसाई, मुसलमानों की कम तेदाद होगी मात खाएगी। बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में, बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में। बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में, हुकूमत उनकी बस रह जाएगी बाकी मदीने में। कयामत की निशानियां इस वक्त आप सुन रहे हैं, किस तरीके से मुसलमान और ईसाई मिलकर ये जंग लड़ेंगे। बिलाखिर जंग के बाद ईसाई कहेंगे कि ये हमारी सलीब की बरकत थी। ये सुनकर मुसलमान सिपाही उनकी सलीब छीन लेंगे, इसी बात पर फिर लड़ाई होगी और मुस्लिम बादशाह को शहादत नसीब होगी। जो कुछ लश्कर बचेगा वो मदीने में चला जाएगा और उनकी हुकूमत सिर्फ मदीने पर रह जाएगी। उसके बाद क्या होगा सुनिए। मुसलमान हर तरफ से जब घिरेंगे तो ये सोचेंगे, ये होगा मशवरा अब हजरत मेहंदी को ढूंढेंगे। सुना जाता है लोगों ने कहीं पर उनको देखा है, वो ही काम आएंगे इस दम हदीसों ने बताया है। मुसलमान ढूंढ लेंगे उनको एक दिन सहने काबा में, कहेंगे उनसे हजरत आप ही अब तो खलीफा हैं। खिलाफत से मना फरमाएंगे जब हजरत मेहंदी, मुसलमान जिद करेंगे तो वो दे देंगे रजामंदी। मुसलमान होंगे बैत बाखुशी फिर मेहंदी से उस दम, जनाबे हजरते मेहंदी पे होगा नूर का आलम। रसूले पाक की औलाद में से होंगे लिखा है, जनाबे फातिमा की नस्ल से होंगे बताया है। चलेंगे शाम से ईसाई लेकर फौज लड़ने को, मदीना और मक्का शहर पर वो कब्जा करने को। इधर से हजरते मेहंदी का लश्कर पहुंच जाएगा, लड़ेगा शामियों से 4 दिन तक काफिला उनका।
बता पाएंगे मेहंदी लाखों फौजी मारे जाएंगे के लाशों के ताबून से परिंदे उड़ न पाएंगे। कई जंगे लड़ेंगे हजरते मेहंदी पता होगी तबाही की वजह से दिल पे होगी एक घटा गम की। वहां फिर हजरत मेहंदी निजाम अपना संभालेंगे, वहां फिर हजरत मेहंदी निजाम अपना संभालेंगे। वहां फिर हजरत मेहंदी निजाम अपना संभालेंगे। बराए जंग वो लश्कर मदीने से निकालेंगे, बराए करीम क्या क्या फरमा रहे हैं कयामत की निशानियों के बारे में। आप हजरात तवज्जे के साथ एक एक बंद सुनते जाइए और आसार कयामत मुलाहजा फरमाते जाइए। अगले बंद में हाजी शौक वजीर गंजवी फिर लिख रहे हैं क्या। रुकेगा जाके लश्कर रूम के दरिया किनारे पर, बिठा कर कश्तियों में भेजेंगे उस पार वो लश्कर। बनू इसहाक के 70,000 अफराद जाएंगे, वो कुस्तुनतुनिया पर पहुंचेंगे तो नारा लगाएंगे। गिरेगी शहर की दीवार फिर नारा लगाएंगे, गिरेगी दूसरी दीवार तो आगे वो जाएंगे। वो होंगे शहर में दाखिल सदा तकबीर की सुनकर, निकल कर शामियों की फौज भी आ जाएगी बाहर। मुसलमान इत्तेहाई अपना लश्कर छोड़ जाएंगे, मुनाफिक होंगे वो अपनी दगाबाजी दिखाएंगे। कबूल उनकी न होगी फिर कभी तौबा बुरे होंगे, इसी बाइस बनेंगे वो सभी ईंधन जहन्नुम के। लड़ाई होगी तो फिर इत्तेहाई काम आएंगे, मगर ऐसे लड़ेंगे कि मुसलमान जीत जाएंगे। करेंगे शहर पर कब्जा मिलेगा माल भी उनको, खबर पाएंगे कि दज्जाल आता है इधर संभलो। ये सुनकर हजरते मेहंदी गनीमत छोड़ जाएंगे, वो अपना सारा लश्कर लेके वापस लौट जाएंगे। इधर दज्जाल मक्का शहर पर जाएगा लड़ने को, मुसलमानों को बहका कर उन्हें बेदीन करने को। मगर वो शहर के अंदर नहीं घुस पाएगा जाकर, फरिश्ते रोक देंगे शहर के दरवाजे पे आकर। वहां से लौट कर जाएगा वो बाबे मदीना पर, ओहद से आगे वो
जाने नहीं पाएगा सब लश्कर। मलाइक पहरे पर होंगे सभी जानिब मदीने के, मलाइक पहरे पर होंगे सभी जानिब मदीने के, मलाइक पहरे पर होंगे सभी जानिब मदीने के, खुदा के हुक्म से होंगे मुहाफिज सब करीने से, खुदा के मोहतरम हजरात, सुना आपने किस तरीके से हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम का लश्कर और शामियों का लश्कर आमने सामने होगा और किस किस तरीके से ये जंगें लड़ी जाएंगी। काने दज्जाल के बारे में जब पता चलेगा कि वो काबे पर चढ़ाई करने आ रहा है, उसके बाद जरा काने दज्जाल का हाल समाज फरमा लीजिए। आपके काना दज्जाल आखिर कैसा होगा मुलाहजा कीजिएगा। सुनो दज्जाल कैसा होगा ये तुमको बताते हैं, हदीसों में जो आया है वही तुमको सुनाते हैं। वो काना होगा और बदशक्ल होगा, पस्ता कद होगा, गधे पर बैठकर निकलेगा वो दज्जाल बद होगा। दिखाएगा वो अपनी दोज़ख़ो जन्नत जमाने को, बहुत से लाएंगे ईमान उस पर जा बचाने को, जो मानेगा खुदा उसको उसे डालेगा जन्नत में, मगर पहुंचेगा वो नारे जहन्नुम की मुसीबत में। न मानेगा खुदा उसको वो फौरन मारा जाएगा, उसे डालेगा तो जख्मी मगर जन्नत में जाएगा। वो काफिर होगा पेशानी पे भी काफिर लिखा होगा, गरज के शक्ल भी होगी बुरी दिल भी बुरा होगा। कहेगा जब वो बारिश को तो फौरन होगी बारिश भी, उसी के कहने से एकदम जिमी गौहर उगल देगी। करेगा कत्ल वो इंसान को और जिंदा भी कर देगा, बहुत से लोगों के दिल में वो काफिर कुफ्र भर देगा। फरिश्तों के परों पर हाथ रखे आएंगे नीचे, जनाबे हजरते ईसा पैगंबर शान शौकत से, पसीना चांद सा टपकेगा चेहरा चांद सा होगा, पसीना चांद सा होगा। जमी पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का, जमी पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का, जमी पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का, जमी पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का।
नापने का ना दज्जाल कैसा होगा और क्या करेगा। इस कैसेट में तो हम गाने दज्जाल के बारे में पूरी तफसील नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद एक और कैसेट हजरत इमाम मेहंदी और काना दज्जाल इस उनवान से आप हजरात को हम सुनाएंगे, उसमें और भी तफसील से सारे वाकयात आप लोग मुलाहिजा करेंगे। फिलहाल आप ये सुन रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आएंगे, पसीना चांदी सा टपकेगा, चेहरा चांद सा होगा, जमीन पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का। उसके बाद हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, समाप्त कीजिएगा। मिलेंगे हजरत मेहंदी से खुश होकर मोहब्बत से, कहेंगे मैं हूं वाबस्ता मोहम्मद की शरीयत से, करेंगे जंग वो दज्जाल का फिर सर उतारेंगे, मुसलमान उसके लश्कर वालों को चुन चुन के मारेंगे, वही आएगी फिर ईसा नबी पर तूर पर जाओ, नया फितना उठेगा मोमिनों को साथ ले जाओ, मुसलमानों को लेकर तूर पर जब ईसा पहुंचेंगे, सितम ढाते हुए याजूज और माजूज निकलेंगे, बहुत तेजी से वो सारे जहां में फैल जाएंगे, करेंगे कत्ल सब मखलूक का वो खून बहाएंगे, करेंगे हजरते ईसा दुआ रब से के राहत दे, के अब याजूज और माजूज को या रब हलाकत दे, वबा से फिर बना याजूज और माजूज भी होंगे, सड़ेंगे वो तो फिर तकलीफ होगी उनकी बदबू से, दुआ ईसा करेंगे तो परिंदे से भी आएंगे, के लाशों को उठाकर वो जिमी से दूर जाएंगे, जिमी पर होगी बारिश जो गिलाजत दूर कर देगी, बाहर आएगी ऐसी जो फिजा में खुशबू भर देगी, फलों की होगी पैदावार अच्छी रब की रहमत से, खिलेंगे गुल मवेशी दूध देंगे खूब कसरत से, जहां में कुफ्र बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, जहां में कुफ्र बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, जहां में कुफ्र बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका। सामईन हजरात, हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर जब जंग करेंगे, दज्जाल मारा जाएगा और उसके बाद वही आएगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि तूर पर जाओ, मोमिनों को साथ ले जाओ, नया फितना उठेगा, मुसलमानों को लेकर जब तूर पर जाएंगे हजरत ईसा तो फिर याजूज और माजूज निकल आएंगे। ये एक किस्म की वबा है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब से दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम के हुक्म से याजूज और माजूज हलाक हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, उसके बाद इनकी बदबू से
बुरी हालत हो जाएगी, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो ऐसे परिंदे आएंगे कि इनकी लाशों को उठाकर वो ज़मीन से दूर ले जाएंगे, फिर ज़ोर की बारिश होगी जिससे ये गिलाजत यानी गंदगी दूर हो जाएगी और फिर ऐसी बाहर आएगी, हर तरफ खुशबू का मौसम होगा, फलों की पैदावार होगी, मवेशी ज़्यादा दूध देने लगेंगे, जहाँ में कुफ्र बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, बजेगा सारे आलम में फ़कत इस्लाम का झंडा। सामईन, जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब क़यामत की निशानियाँ उनवान से जो ये वाक़या आप हजरात की खिदमत में तस्लीम आरिफ की ज़ुबानी पेश कर रहे हैं, उसके आखिरी बंद में कुछ इस तरह कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। ज़माना चंद बरसों तक यूं ही गुजरेगा दुनिया में, खुदा की रहमतों का साया फिर उतरेगा दुनिया में, करेंगे कूच दुनिया से यकायक हजरते मेहंदी, हुकूमत फिर करेंगे इस जहां में ईसा इस्लामी, अमल पैरा रहेंगे वो मोहम्मद की शरीयत पर, चलेंगे बंदे सब अल्लाह के राहे हकीकत पर, विसाल अल्लाह से हो जाएगा फिर इब्ने मरियम का, मिलेगा दफन की खातिर उन्हें सरकार का रौजा, फिर उसके बाद आएगा जमाना ऐसा दुनिया में कि हर सू कुफ्र बातिल ही नजर आएगा दुनिया में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो जाएगा तो उनको दफन के वास्ते हुजूर ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मिलेगा, यानी हुजूर के रोज़े में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। उसके बाद ऐसा ज़माना भी आएगा कि हर सू कुफ्र बातिल ही नज़र आएगा। आगे कहना है, मुसलमान एकदम सब राहिए मुल्क आदम होंगे, के खाली अहले ईमान से सभी अरबो अजम होंगे, कलामुल्लाह के अल्फाज भी उड़ जाएंगे सारे, जहां में रूनुमा होंगे कयामत खेज नजारे, फिर उसके बाद सूरज एक दिन पश्चिम से निकलेगा, यकायक बंद हो जाएगा फिर तौबा का दरवाजा, खुदा के हुक्म से फिर सूर इसराफील फूकेंगे, कयामत आएगी अफलाक के सब तारे टूटेंगे, पहाड़ उड़ते फिरेंगे रूई के मानिंद दुनिया में, के रेजा रेजा होंगी एकदम पत्थर की चट्टाने, फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा, फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा, फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा, फकत एक जलवागर उस वक्त रब्बुल आलमी 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 होगा, फकत एक जलवागर उस वक्त रब्बुल आलमी। हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर, चल दिए हाजी मदीने की ज़ियारत के लिए, क़िबलतैन और क़ुबा और वहां की सारी मस्जिदें तुमको
बुलाती है इबादत के लिए। हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर, चल दिए हाजी मदीने की जियारत के लिए। क़िबलतैन और कुबा और वहां की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। कैसे? जाओ ए हाजियो, जाओ ए हाजियो, दरबार मदीना देखो। 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 जलवे अहमदे, ओ जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे। मदीना जहाँ सिद्दीक ने अजमत पाई, वो मदीना जहाँ फारूक ने इज्जत पाई, वो मदीना जहाँ हैदर ने इमामत पाई, वो मदीना जहाँ उस्मान ने सखावत पाई, फातिमा और अली का जिसे गुलशन कहिए, वो मदीना जिसे हसनैन का आंगन कहिए। दीन इस्लाम उसी पाक जमी से फैला, और कुरान का उजाला भी वहीं से फैला, दिल की जन्नत भी निगाहों का हरम भी है वही, अहले ईमान के लिए बाबे करम भी है वही, किबले दी भी वही, काबे ईमा भी वही, रूहे मोमिन भी वही, जाने मुसलमान भी वही, अहले ईमान के लिए गुलशन जन्नत है वही, हाजियों के लिए मेराज जियारत है वही। बोल बाला जो वहाँ दीन और ईमान कहे, ये मदीने पे करम की शहजी शान कहे, तुम भी किस्मत से वो गुलजार मदीना देखो। तुम भी किस्मत से वो गुलजार मदीना देखो। तुम भी किस्मत से वो गुलजार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार।
चल दिए काफले तकमील इबादत के लिए, दिल है बेताब मती नेकी जियारत के लिए। जाओ ऐ हाजियो तुम मस्जिद नबवी है जहां, पढ़ना होंगी तुम्हें 40 नमाजें भी वहां। क़िबलतैन और क़ुबा में भी इबादत करना, और उहद के भी शहीदों की ज़ियारत करना। ओ मुबारक दरे सरकार के काबिल होना, बाबे जिब्रील से तुम उस जगह दाखिल होना। मस्जिद नबवी में जिस वक्त तुम्हारा हो गुजर, रहे सरकारे दो आलम की हदीसों पे नजर। पेश करना वहां यूं सजदों का तुम नजराना, पढ़ना ऐ हाजियो दिल से नफिले शुकराना। और फिर रोज़े आका की तरफ सरकार का प्यार आंखों में आंसू भर के, भेजना उन पे दुरूद और सलाम और सलाम। वो है महबूब खुदा, वो है रसूलों के इमाम। तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो, जाओ जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। जिस घड़ी भेजो दुरूद और सलाम आका पर, याद रखना है उसी रोजे में सिद्दीक उमर। चार यारों में बहुत खास है दोनों का मकाम, भेजना हजरते सिद्दीक उमर पर भी सलाम। तुमने दरबारे शहीदी का जो मंजर देखा, ये समझ लो के जमाले रुखे सरवर देखा। जिसको भी रोज़े सरकार का दीदार हुआ, मेरे आका की शफात का वो हकदार हुआ। देखना उस जगह चमकेगी तुम्हारी किस्मत, मस्जिद नबवी में है वो जो रियाजुल जन्नत। हाजियो खूब दुआएं वहां रब से करना, क़िबला रूहों के हर एक सजदा अदब से करना। जिसके दिल में शहे फतहा की मोहब्बत होगी, उस पे अल्लाह की हर आन इनायत होगी। देखो ये निस्बतें सरकार मदीना देखो, देखो ये निस्बतें सरकार मदीना देखो, देखो ये निस्बतें सरकार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो।
مشہور مدینے کا ہے وہ قبرستان، فاتحہ پڑھنے جہاں جاتے تھے شاہ زیشان، اہل بیت اور صحابی ہے مدفون جہاں، فاطمہ زہرا کی بھی قبر مبارک ہے وہاں، وہ صفیہ جنہیں آقا سے بڑی الفت ہے، وہ نبی کی ہے پھوپھی ان کی وہی تربت ہے، اور ہیں جعفر تیار کے دل بند وہاں، دفن ہے سید کونین کے فرزند وہاں، ابن سرکار دو عالم سے فضا روشن ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی وہی مدفن ہے، میرے آقا کے عزیزوں کی جہاں قبریں ہیں، اور شہیدان احد کی بھی وہاں قبریں ہیں، ناز ہے جن پہ نبی کو وہ نمازی ہے وہاں، فخر اسلام کو ہے جن پہ وہ غازی ہے وہاں، جن سے کعبہ ہوا روشن وہ تھے عابد ایسے، جن سے راضی ہے خدا وہ ہے مجاہد ایسے، شاہ کونین نے دیکھی ہے محبت ان کی، اور قرآن نے بھی دی ہے شہادت ان کی، پیار کرتے ہیں بہت سید ابرار ان سے، اور مدینے کے ہیں روشن در و دیوار ان سے، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو او جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، یہ چاہت ان کی، یہ کرم ان کا ہے اور یہ ہے عنایت ان کی، اس کو ہم لطف شہنشاہ خدا کہتے ہیں، اس کو ہم پیارے محمد کی عطا کہتے ہیں، وہ محمد جنہیں سلطان مدینہ کہیے، وہ مدینہ جسے فردوس کا زینہ کہیے، وہ مدینہ جسے ہم شہر نبی کہتے ہیں، اس کو دربار رسول عربی کہتے ہیں، وہ مدینہ حرم پاک فدا جس پر ہے، وہ مدینہ جو میرے پیارے نبی کا گھر ہے، وہ مدینہ جسے ہم رشک حرم کہتے ہیں، وہ مدینہ جہاں محبوب خدا رہتے ہیں، عرش سے جس جگہ رحمت کے پیام آتے ہیں، آسمانوں سے درود اور سلام آتے ہیں، وہ مدینہ جہاں جبریل ادب سے آئے، اور جب آئے تو پیغام خدا بھی لائے، ہر گھر
झाड़ी नूर की बरसात भी होती है जहां, क्योंकि अल्लाह के महबूब का रोजा है वहां। तुम भी जाकर आने की इजाजत लेना, आपसे खूब दुआएं दमे रुखसत लेना, और कहना के परेशान है उम्मत सारी, ये भी कहना के मुसीबत का है पल पल भारी। हर घड़ी जारी है मिल्लत पे जमाने के सितम, कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं हम। अहले ईमान को दुश्मन जो फना कर देगा, कौन फिर नाम अजानों में खुदा का लेगा। वक्त आमादा है हर एक नई साजिश के लिए, हाथ फैलाए हैं हमने भी गुजारिश के लिए। खैर से लुत्फो करम दुखियों पे जारी रखना, हम तुम्हारे हैं तो फिर लाज हमारी रखना। इल्तिजा करना ये पलकों पे सजा कर आंसू, वक्त रुखसत दरे आका पे बहा कर आंसू। रहमते सैयदे अबुरारे मदीना देखो, रहमते सैयदे अबुरारे मदीना देखो, रहमते सैयदे अबुरारे मदीना देखो। जाओ ए हाजियो, जाओ ए हाजियो, दरबारे मदीना देखो। मदीने पहुंचे वो शहदी का है प्यारा जो मदीने पहुंचे, लेके जाए तरे सरकार पे किस्मत जिसको, फजल रब से हो मदीने की ज़ियारत जिसको। अपनी आंखों से जो सरकार का जलवा देखे, यानी अल्लाह के महबूब का रोजा देखे, कर ले इस तरह जो दीदार यकीन है मुझको, होगा जन्नत का वो हकदार यकीन है मुझको। ये है फरमान नबी जिसने भी रोजा देखा, रोजा देखा तो शहे तीन का जलवा देखा। सब्ज गुंबद का जो मोमिन को नजारा होगा, उसके हक में यही बख्शिश का सहारा होगा।
ये मेरे आका का हर कौल जली कहता है और यही बात हर एक पीर वली कहता है। बाग जन्नत में है अनवर वो जगह पाएगा जो मदीने की जियारत के लिए जाएगा। वक्त रुखसत है सुनो आजियो मेरा पैगाम लेके एक बार अदब से शहे कौनैन का नाम। भेजो सरकार के अंदाजे मोहब्बत पे सलाम और सिद्दीक की फारूक की चाहत पे सलाम। इस तरह अपनी अकीदत का फिर इजहार करो उनके रोजे का बड़े प्यार से दीदार करो। आते आते दरो दीवारे मदीना देखो आते आते दरो दीवारे मदीना देखो आते आते दरो दीवारे मदीना देखो देखो ए हाजियो देखो देखो ए हाजियो दरबारे मदीना 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 देखो देखो ए हाजियो। करता है याद रब को मोमिन जो बाकरीना होता है नूर हक से अनवार उसका सीना। गुमराह जो बशर थे गरकाब हो गए वो तूफान में सलामत था नूह का सफीना। गुमराह जो बशर थे गरकाब हो गए सब तूफान में सलामत था नूह का सफीना। समाज फरमाइए हजरत के तूफान नूह कैसे आया और हजरत नूह का सफीना कैसे महफूज रहा और नूह की कौम क्यों गरकाब हुई। सुनो ऐ दोस्तों ये नूह पैगंबर का किस्सा है सुनो ऐ दोस्तों ये नूह पैगंबर का किस्सा है। सुनो किस तरह उनके दौर में तूफान आया है किस तरह उनके दौर में तूफान आया है किस तरह उनके दौर में तूफान आया है सुनो किस तरह उनके दौर में तूफान आया है सुनो किस तरह उनके दौर में तूफान आया है। Thank you.
حسین حضرات، یہاں سے طوفان نوح کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، جب حضرت ادریس پیغمبر دنیا سے جنت میں چلے گئے تو پھر ان کی آل کو شیطان نے کس طرح بہکایا اور کیا کہا، سماعت کیجیے گا۔ گئے دنیا سے جنت میں جناب ادریس پیغمبر، تو ان کی آل کو بہکایا پھر شیطان نے آ کر، کہا تم باپ کی مورت کو پوجو فائدہ ہوگا، وہ تم سے خوش رہیں گے، تم کو حاصل مرتبہ ہوگا، وہ سب بھولے خدا کو بت پرستی پر ہوئے مائل، خدا کا نور چھوڑا بھائی ان کو ظلمت باطل، ہوئی گمراہ دنیا کیونکہ شیطان سب کا رہبر تھا، نہ فکر عاقبت تھی اور نہ کچھ اللہ کا ڈر تھا، اسی صورت سے گزری 400 برس برائی میں، خدا کا نام لیوا اک نہ تھا ساری خدائی میں، جہاں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے جب کفر کے سائے، پیمبر نوح اللہ پاک نے مبوس فرمائے، پیمبر نوح سب کو دین کی باتیں بتاتے تھے، وہ جا جا کر خدا کے خوف سے سب کو ڈراتے تھے، وہ کہتے تھے خدا معبود ہے رازق ہے وہ سب کا، کرو اس کی عبادت نام لو ہر دم اسی رب کا، پیمبر ہوں خدا کا مجھ پہ تم ایمان لے آؤ، برائی چھوڑ دو اور نیک حق کی راہ اپناؤ، کرو مت پیروی شیطان کی وہ سب کا دشمن ہے، خدا سے اور خدا کے نیک بندوں سے وہ بدزن ہے، برائی کا نتیجہ تم کبھی اچھا نہ پاؤ گے، برائی کا نتیجہ تم کبھی اچھا نہ پاؤ گے، ہماری بات مانو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے، ہماری بات مانو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے، ہماری بات مانو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے، ہماری بات مانو ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ جب 400 سال کا عرصہ گزر گیا اس گمراہی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح پیغمبر کو بھیجا، اور انہوں نے جب خدا کی باتیں سب کو بتائیں تو ان کی بات سن کر سب لوگ کیا کہنے لگے، سماعت کیجیے گا۔ ہدایت سن کے وہ ظالم ہنسی ان کی اڑاتے تھے، جناب نوح پیغمبر کو دیوانہ بتاتے تھے، جناب نوح نے ہر چند ان سب کو ہدایت کی، مگر ان ظالموں نے کھل کے شیطان کی حمایت کی، ستایا کرتے تھے ظالم سبھی تبلیغ پر ان کو، کیا کرتے تھے زخمی پتھروں سے مار کر ان کو،
जनाबे नूह को बीवी भी दीवाना बताती थी। वो खुद गुमराह थी तौहीद पर ईमान लाती थी। भलाई की ना अपनी कौम से कुछ आस थी उनको, के गुजरी सैकड़ों बरसें परेशान थे वो ऐसा हो। बरस 950 अल्लाह से वो उम्र लाए थे, फकत 80 बशर ही आपके हलके में आए थे। परेशान हो के हजरत नूह ने की बद्दुआ उनको, कहा रो रो के या रब कौम को मेरी हलाकत हो। खुदाए पाक ने उनकी दुआ मकबूल फरमाई, उन्हें जिब्रील ने जन्नत से लाकर एक टहनी दी। ज़मी में गाड़ दी वो शाख पैगंबर ने खुश होकर, दिया पानी उसे बढ़ती रही दिन रात वो ऊपर। दरख्त उसका हुआ ऊंचाई में फिर 600 गज लंबा, मोटाई यानी चौड़ाई में था वो 400 गज का। बरस 40 गुजरे शाख ने जब परवरिश पाई, बरस 40 गुजरे शाख ने जब परवरिश पाई, बरस 40 गुजरे शाख ने जब परवरिश पाई। जहाँ के सब दरख्तों से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई, जहाँ के सब दरख्तों से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई, जहाँ के सब दरख्तों से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई, जहाँ के सब दरख्तों से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि खुदा एक है और मैं उसका पैगंबर हूँ, तो लोग उनको पत्थर मारा करते थे, और तो और उनकी बीवी भी उनको दीवाना बताती थी क्योंकि वो खुद भी गुमराह थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग राह रास्त पर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ की, क्योंकि आपकी पूरी उम्र 950 साल की हुई है, इस 950 में से सैकड़ों साले यानी 400-500 साले आपको गुजर गई, लेकिन सिर्फ 80 लोग ही आपके हलके में आए। तो आपने बद्दुआ फरमाई कि परवरदिगार तू मेरी कौम को हलाक कर दे। जिब्रील अमीन जन्नत से एक टहनी ला कर देते हैं और वो टहनी ज़मीन में गाड़ दी जाती है, लेकिन जब 40 साल गुजर गए तो उस टहनी ने, उस शाख ने परवरिश पाई जो जहाँ के सब दरख्तों से, दुनिया के सब दरख्तों से ऊँची हो गई। और फिर क्या हुआ समाज फरमाइए। रही हर एक औरत बांझ उन 40 बरसों तक, अजाब उन पर हुआ अल्लाह की जानिब से ये बेशक। बहुक्मे की बुरिया फिर एक दिन रूहुल अमी आए, जनाबे नूह को नज्जारी के सब काम सिखलाए। सभी औजार बनवा कर कहा इस पेड़ को काटो, फिर उसको चीर कर आरे से तुम तख्ते बना डालो। शजर काटा वो हजरत नूह ने तख्ते बना डाले, बने 1,24,000 उस पेड़ में तख्ते। हर तख्ते पे था नामे नबी
दोनों तरफ लिखा, नबी आदम से लेकर मुस्तफा तक नाम था सबका। कहा जिब्रील ने फिर नूह से कश्ती बनाओ तुम, कि अब तूफान आने वाला है खुद को बचाओ तुम। बनाई नूह ने कश्ती, पड़े जब चार तख्ते कम, कहा जिब्रील से पूरे करें तख्ते कहां से हम। कहा रूहुल अमी ने नील दरिया से मंगा लीजिए, अबू बकरो उमर उस्मा अली के नाम के तख्ते लगेंगे, जब वो तख्ते तो तुम्हें कश्ती बचाएगी, नहीं तो कहर के तूफान में वो डूब जाएगी। कहा ये नूह ने ये नाम किसके हैं बता दीजिए, तो बोले हजरते रूहुल अमी ये नाम सुन लीजिए। ये खत्मुल मुरसली हजरत मोहम्मद के खलीफा है, खत्मुल मुरसली हजरत मोहम्मद के खलीफा है, ये खत्मुल मुरसली हजरत मोहम्मद के खलीफा है। ये शैदा है मोहम्मद मुस्तफा के और सहाबा है, ये शैदा है मोहम्मद मुस्तफा के और सहाबा है, ये शैदा है मोहम्मद मुस्तफा के और सहाबा है, ये शैदा है मोहम्मद मुस्तफा के और सहाबा है। दरख्त 600 गज लंबा और 400 गज मोटा हो गया। उसके बाद एक दिन रूहुल अमी फिर आए और जनाबे नूह को नज्जारी यानी कारपेंट्री के सारे काम सिखलाए, सभी औजार बनवा कर कहा कि अब इस पेड़ को काटो और इसको चीर कर तुम तख्ते बना लो। जब हजरत नूह ने उस पेड़ को चीरा तो उसमें 1,24,000 तख्ते निकले। फिर उन तख्तों से एक कश्ती बनाई गई, लेकिन चार तख्ते जब कम पड़े तो रूहुल अमी कहते हैं कि दरियाए नील से ये मंगवा लीजिए, अबू बकर उस्मान अली और उमर के नाम के ये चारों तख्ते जब लग जाएंगे तो ये कश्ती कहर से बच जाएगी। नूह कहते हैं कि ये कौन हैं, तो फरमाया कि ये खत्मुल मुरसली हजरत मोहम्मद के खलीफा हैं चारों, ये शैदा हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के और सहाबा हैं। उसके बाद क्या होता है सुने, मोहम्मद मुस्तफा होंगे नबी आखिर जमाने में, बड़ी पाकीज़ा होंगी हस्तियां उनके घराने में, वो अल्लाह पाक की तौहीद का डंका बजाएंगे, वो शम्मे दीन की सारी खुदाई में जलाएंगे, फिर उनके बाद आलम में नबी कोई न आएगा, मोहब्बत जो करेगा उनसे वो जन्नत में जाएगा। तारुफ ये कराया नूह को जिब्रील ने जिस दम, हुई तस्कीन हजरत नूह को जाता रहा सब गम। कहा लड़कों से हजरत नूह ने तुम नील पर जाओ, शजर है एक उस दरिया में उसको जाके ले आओ। कहा लड़कों ने ऐसा पहलवा तो पूज है बाबा,
सिवा उसके कोई भी इस शजर को ला नहीं सकता। बुलाया ऊज को फिर नूह पैगंबर ने फरमाया के अंदर नील के है एक शजर, तू उसको जाके ला। मेरा वादा है तुझको पेट भर खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर ऊज फौरन चल दिया और नील पर पहुंचा। दिलेरी से वो फौरन घुस गया उस नील के अंदर, उखाड़ा पेड़ पूरा और दिया वो नूह को लाकर। उसे दी रोटियां जब तीन, हजरत ने तो ये बोला, हजारों रोटियां खाकर भी मैं रह जाता हूँ भूखा। कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी, कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी, कहा ये नूह ने बिस्मिल्ला पढ़कर खा तू ये रोटी। जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी, जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी, जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई सैरी, जब उसने खाई तो आधी ही रोटी से हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हुक्म देते हैं कि दरियाए नील से वो दरख्त लाओ, लेकिन बेटे जवाब देते हैं कि हम उस दरख्त को नहीं ला सकते। हाँ, एक शख्स है, इसका नाम ऊज है, वो ला सकता है। ऊज को बुलाया गया और कहा कि अगर तुम वो पेड़ उखाड़ कर लाओगे तो हम तुमको भरपेट खाना खिलाएंगे। ऊज वो पेड़ उखाड़ कर लाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसको तीन रोटियां देते हैं खाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हजारों रोटियां खाकर भी मैं भूखा रह जाता हूँ, इन तीन रोटियों में मेरा क्या होगा। तो हजरत नूह ने फरमाया कि तू बिस्मिल्लाह पढ़कर खा दो। जब उसने रोटियां खाई तो आधी रोटी में ही वो पेट भर जाता है उसका। हजरत ये ऊज कौन है, जरा इसका तारुफ सुनिएगा। ये ऊज बिनौलक का नाम आपने सुना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ये पैदा हो गया था और हजरत मूसा के ज़माने तक रहा। इसने 3500 बरस की उम्र पाई और बहुत ही ताकत थी। जब नूह का ये तूफान आया, तूफान नूह, तो उस तूफान का पानी इसके कमर कमर था, इतना लंबा, और सबसे ज़्यादा लंबा आदमी था ये दुनिया का। सुनिएगा इस बंद में। तारुफ ऊज का सुनिए के ये था ऊप का बेटा, जमाना जब था आदम का हुआ था वो तभी पैदा। खुराक उसकी बहुत थी, वो हजारों रोटी खाता था। थी उसकी उम्र 3500 बरस, ताकत भी थी ज्यादा। लिखा है वो रहा दुनिया में मूसा के जमाने तक, के उसने कर दिए थे खर्च खाने में खजाने तक। थे जितने आदमी उस दौर में वो सबसे था ऊंचा, के पानी नूह के तूफान का उसकी कमर तक था। तकबुर था उसे बेहद, फिरा करता था आवारा। जनाबे हजरते मूसा के हाथों वो गया मारा। शजर वो नील से लाया तो उसको नूह ने चीरा।
निकाले चार तख्ते, नाम था चारों खलीफा का। मुकम्मल हो गई कश्ती तो फिर रूहुल अमी बोले, कहां से आएगा तूफान, अब ये राज भी सुनिए। तुम्हारे घर में जो तंबूर है ऐ प्यारे पैगंबर, गरम पानी बड़ी तेजी से उससे आएगा बाहर। वो ऐसा तूफान बन जाएगा सबके होश खो देगा, जहां भर के दरख्तों और पहाड़ों को डुबो देगा। अलामत है यही तूफान की, तुम होशियार हो जाना। जो है ईमान वाले उनको कश्ती में बिठा लेना। यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी, यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी, यही कश्ती तुम्हारी खैरियत का आसरा होगी। बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी, बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी, बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी, बचेंगे कश्ती वाले और सब दुनिया फना होगी। जब वो कश्ती तैयार हो गई तो हजरत नूह ने फिर अपनी कौम को समझाया कि देखो अभी राह रास्त पर आ जाओ, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है कि एक तूफान आएगा और जो लोग खुदा को मानने वाले नहीं हैं वो अपनी जान गंवा देंगे। मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ, तुम इस कश्ती में सवार हो जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर उनकी कौम हंसने लगती है, कहती है कि ही तो दीवाना हो गया है नूह और हमें झूठे अफसाने सुनाकर गुमराह करना चाहता है। कश्ती तो बना ली है लेकिन दरिया नहीं है, तो क्या रेत पर कश्ती चलाएगा। कहा है नूह, हम तेरे खुदा से डर नहीं सकते, तुझे हम पेशवा तस्लीम अपना कर नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। जनाबे नूह ने उस कौम को हर चंद समझाया, मगर उनमें से इंसान एक भी ईमान नहीं लाया। जिमी पर आए फिर रूहुल अमी और नूह से बोले कि जो है बैतुल मामूर आप उसकी सैर कर लीजिए। जिमी से आसमां पर अब खुदा उसको उठा लेगा। जनाबे नूह ने जब सैर कर ली तो यही पाया, फरिश्ते फिर चहारम आसमां पर ले गए उसको। हुआ फिर बाद उसके क्या अजीजो गौर से सुन लो, था घर में नूह के तंबूर एक रोटी पकाने का। पकाने रोटियां बैठी तो उनकी बीवी ने देखा, अचानक उसके अंदर से चला एक पानी का रेला। गरम पानी उबल कर तेज रफ्तारी से बह निकला। खबर दी नूह को तंबूर से पानी हुआ जारी, कहा जिब्रील ने आकर करो कश्ती की तैयारी। खुदा का हुक्म है हर चीज का जोड़ा रखो इसमें, जो है ईमान वाले
बस सवार उनको करो इसमें। हर की जिंस का तुम बीज भी रख लो हिफाजत से। बिठाया नूह ने कश्ती में हर मोमिन को शफकत से। रखा कश्ती में जोड़ा आपने सब जानदारों का। तुखम हर एक अशिया का बहुक्मे किबरिया रखा। सभी हंसते थे काफिर देख कर कश्ती का नजारा। वो कहते थे करेगा क्या भला इस पानी का धारा। कहते थे करेगा क्या भला इस पानी का धारा। वो कहते थे करेगा क्या भला इस पानी का धारा। दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जब उस तंबूर में रोटी पका रही थी तो उन्होंने देखा कि अचानक अंदर से पानी का एक रेला चला। गर्म पानी उबलकर जब तेज रफ्तारी से बहने लगा तो उन्होंने आकर हजरत नूह को खबर दी। फौरन ही जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं कि अब आप कश्ती की तैयारी कर लीजिए और खुदा का ये हुक्म है कि हर चीज़ का जोड़ा इस कश्ती में रख लेना और जो ईमान वाले हैं उनको इसमें सवार कर लो। हर एक जिंस का भी तुम बीज इसमें रख लो। हजरत नूह ने हर मोमिन को बड़े प्यार से बिठाया। सब जानदारों का जोड़ा आपने और हर एक का तुखम, हर अशिया का तुखम उसमें रखा। और उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। सभी दुनिया में मोटी धार से बरसात होती थी। ज़मीनों आसमां से तेज रो पानी हुआ जारी। ज़मी पर जितने चश्मे थे बहाते थे सभी पानी। नजर आती थी चारों सिमत तुगियानी ही तुगियानी। ज़मी पर जब बड़ा पानी लगी वो तैरने कश्ती। ऊपर साएबा जिसने के बारिश से हिफाजत की। कोई गरकाब बस्ती और जब पानी लगा बढ़ने तो फिर तेजी से सब काफिर पहाड़ों पर लगे चढ़ने। थी लंबाई में 100 गज से ज्यादा नूह की कश्ती। लिखा है 400 गज से थी ज्यादा उसकी चौड़ाई। था चौथा एक बेटा नूह का पहुंचा पहाड़ों पर। वो कश्ती पर नहीं बैठा तकबर से हुआ खुद सर। पहाड़ों पर जो पहुंचा पानी तो फिर नूह घबराए। दुआ किया खुदा बेटा मेरा किनान बच जाए। हुआ फरमान हक गुमराह है वो डूब जाने दो। यकी तुम पर नहीं उसका सजा उसको भी पाने दो। पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया 40 गज पानी। बची कश्ती हुए गरकाब सारे जुल्म के बानी। बुतों का नाम ले लेकर सभी काफिर वो चिल्लाए। मगर झूठे खुदा उनके मदद कुछ भी न कर पाए। हुई 40 दिन पर साथ जमकर हुक्म से रब के। ज़मीने भी बहाए इतने दिन तक तेज तर चश्मे। फना वो सब हुए तूफान में जिनके
قلب کالے تھے بھلا وہ سب ہوئے طوفان میں جن کے قلب کالے تھے بھلا وہ سب ہوئے طوفان میں جن کے قلب کالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ والے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ والے طریقے سے چالیس دن اور چالیس رات برابر بارش ہوتی رہی اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچا وہ کافر بچنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ گئے لیکن جب پہاڑوں سے پانی عبور کرنے لگا اور اونچا ہونے لگا تو حضرت نوح کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا کنان بچ جائے لیکن فرمانے حق ہوا کہ وہ گمراہ ہے اس کو ڈوب جانے دو اور اس کا یقین تم پر نہیں ہے حضرات فنا وہ سب ہوئے طوفان میں جن کے قلب کالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ والے تھے اور آگے کیا ہوا سنیے گا رواں تھی پانی پہ جس دم وہ لوگوں سے بھری کشتی کیا پیشاب پاخانہ تو گندی ہو گئی کشتی ہوا الہام پیشانی پہ پھیرا ہاتھ ہاتھی کے تو اس کی ناک سے خنزیر دو ایک دم نکل آئے وہ دو خنزیر کشتی کی غلاظت کھا گئے ساری یہ دیکھا تو ہوئی شیطان کو اس وقت بیزاری جو اس نے ہاتھ ایک خنزیر کی پیشانی پہ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے فوراً ہو گئے پیدا وہ چوہے دونوں کشتی میں لگے سوراخ جب کرنے تو کی فریاد اللہ پاک سے اس دم پیغمبر نے کہا جبریل نے آ کر جناب نوح سے سن لو تم اپنے ہاتھ سے پیشانی فوراً شیر کی مل دو ملی جب شیر کی پیشانی دو بلی ہوئی پیدا وہ چوہے بلیوں نے کھا لیے کھٹکا گیا سارا اسی دن سے ہے بلی چوہے کی دشمن جہاں بھر میں کہ چوہے کرتے ہیں نقصان ہر انسان کے گھر میں رہی طوفان میں کشتی دو رجب سے دس محرم تک اسی صورت سے گزرے چھ مہینے آٹھ دن بے شک گئی سوئے حجاز ایک روز کشتی کعبے تک پہنچی کیے ستر طواف ایک دم تو ملک شام میں پہنچی ضرر پہنچانا کشتی کو ذرا طوفان کے پانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے Thank you.
سامعین حضرات، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ واقعہ آپ سن رہے ہیں۔ جس وقت یہ کشتی پانی پر رواں تھی، تیر رہی تھی، تو اس میں لوگوں نے پیشاب پاخانہ وغیرہ بھی کیا، جس سے وہ گندی ہو گئی۔ الہام ہوتا ہے حضرت نوح کو کہ ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیریے گا۔ حضرت نوح نے جیسے ہی ہاتھی کی پیشانی یعنی ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو خنزیر پیدا ہو گئے، اور وہ خنزیر اس کشتی کی ساری غلاظت یعنی گندگی کو کھا جاتے ہیں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو اس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا، اور اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہو گئے جو کشتی کو کترنے لگے، سوراخ کرنے لگے۔ تو اللہ سے فریاد کی پیغمبر نے، حضرت جبریل نے آ کر حضرت نوح کو بتایا کہ تم اپنے ہاتھ سے شیر کی پیشانی کو مل دو۔ جب شیر کی پیشانی کو حضرت نوح نے ملا تو پروردگار نے دو بلیاں پیدا کر دیں، اور وہ بلیاں ان چوہوں کو کھا گئیں۔ اسی دن سے یہ بلی اور چوہے کی دشمنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دو رجب سے دس محرم تک اس پانی پر تیرتی رہی، یعنی چھ مہینے آٹھ دن، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا۔ خدا کے فضل سے وہ کشتی کوہے جودی پہ ٹھہری، ہوا پچھم سے آئی تو فضا میں آ گئی خشکی، ہوا پھر صاف متلا دھوپ نکلی اور گھٹا پانی، یکایک پھر تو چوٹی سے پہاڑوں کی ہٹا پانی، بنا دی سات راہیں پانی کی جبریل نے آ کر، زمین پر سات دریا بن گئے آئے روانی پر، گیا پانی وہ سب دریاؤں میں چمکی زمین ساری، زمین پر اب کہیں پانی نہیں باقی رہا کچھ بھی، جناب نوح نے بھیجا پرندہ کوہ جودی سے، زمین پر اب ہے پانی یا نہیں جا کر خبر لائے، پرندہ مرغ چگنے میں لگا واپس نہیں پہنچا، جناب نوح نے یہ دی دعا وہ اڑ نہ پائے گا، پھر اس کے بعد بھیجا ایک کبوتر لوٹ کر آیا، لگی تھی خشک مٹی اس کے پنجوں میں تو یہ سمجھا، زمین پر اب نہیں پانی اتر کر نیچے اب جائیں، کبوتر کو دعا دی پیارا ہوگا سب پرندوں میں، اتارا پھر جناب نوح نے کشتی سے لوگوں کو، جو کچھ سامان تھا لائے وہ زمین پر، دیکھو اب کیا ہو، جڑیں اور تخم جو بھی تھے زمین پر آپ نے بوئے، نہیں جڑ مل سکی انگور کی بے حد پریشان تھے، کیا پھر عرض خالق سے کہاں انگور پہنچا ہے، کیا پھر عرض خالق سے کہاں انگور پہنچا ہے، کیا پھر عرض خالق سے کہاں انگور پہنچا ہے، ندا آئی کہ وہ شیطان ظالم نے چرایا ہے، دن کے بعد جودی پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی ٹھہرتی ہے۔
उसके बाद आसमान साफ होता है, धूप निकलती है और पानी घटने लगता है। जिब्रील अमीन ने आकर सात राहें बना दी जो दरियाओं की शक्ल में थीं, और सारा पानी वो उन दरियाओं में चला गया। उसके बाद हजरत जब हजरते नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से लोगों को उतारा तो फिर अंगूर की जड़ नहीं मिल सकी। खालिक से अर्ज किया कि यार अब अंगूर कहाँ पहुँचा, निदा आई कि वो शैतान जालिम ने चुरा लिया है। हजरते नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि मेरे रब ने मुझको बताया है कि तूने अंगूर चुरा लिया है, अंगूर की जड़ जो थी वो तूने चुरा ली है। शैतान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अंगूर तो दे दूंगा, लेकिन क्या शर्त रखी समाप्त कीजिएगा। कहा ये नूह ने रब ने मेरे मुझको बताया है, अरे शैतान लई अंगूर तूने ही चुराया है। कहा शैतान ने एक शर्त पर अंगूर दे दूंगा, उसे तुम एक पानी दोगे मैं छह बार सींचूंगा। ये मानी शर्त हजरत ने तो फिर अंगूर वो पाया, उसे बोया तो पहली बार हजरत नूह ने सींचा। उसे शैतान ने एक लोमड़ी के खून से सींचा, दोबारा उसकी जड़ में शेर का फिर खून पहुंचाया। हलाक उसने किया खिंजीर उसका खून भी डाला, शराब अंगूर की जिस दम बनी तो ये असर आया। शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसलत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है, बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है। हुआ शैतान खुश बोला बड़ा ऐसा किया मुझ पर, कहा ये नूह ने एहसान मेरा मुझ पे कर जाहिर। तो बोला बोलई तुमने जो सबको बद्दुआ दे दी, तो सारी नस्ल आदम मर गई दोज़ख में पहुंची है। न देते बद्दुआ तो वो कभी ईमान ले आते, उन्हें फिरदौस मिल जाती जहन्नम में नहीं जाते। ये सुनकर नूह पैगंबर अलम से सौ बरस रोए, कि अपनी बद्दुआ से हमने अपने ही बशर खोए। हजरात, शैतान ने यह शर्त रखी कि अंगूर की जड़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार सींचेंगे तो मैं छह बार सींचूंगा। सबसे पहले हजरत नूह ने उस अंगूर को सींचा, उसके बाद शैतान ने जब उसकी सिंचाई शुरू की तो पहली बार लोमड़ी का खून, दूसरी बार उस जड़ में शेर का खून और फिर खिंजीर का खून भी उसमें डाल दिया। और जब उस अंगूर की शराब बनी तो उसका ये असर हुआ कि शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसलत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है, बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है।
शैतान कहने लगा कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। नूह कहने लगे कि कैसे? कहा कि आपने बद्दुआ करके जो आदम की नस्ल को दोजख में पहुंचा दिया, अगर ये लोग जिंदा रहते तो कभी ना कभी ईमान ले आते और इनको जन्नत मिल जाती, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये सुनकर हजरत नूह 100 बरस तक रोए और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कहा फिर नूह ने इबलीस से औलाद आदम की बनेगी किस गुनाह के बदले में ईंधन जहन्नुम की। बताया नूह को इबलीस ने बस 4 चीजों से हसद हिरसो तकब्बुर और बुखल सब काम है गंदे। किया सजदा न आदम को मेरे दिल में हसद आया इसी बाइस इबादत हो गई शैतान कहलाया। तकब्बुर से जनाब आदम को जो अपने से कम जाना मिला इस बात पर मेरे लिए दोजख का परवाना। जो दाना गेहूं का एक हिर्स से आदम ने था खाया उसी ने आदम हव्वा को जन्नत से निकलवाया। बखीलों को कहा रब ने के वो बख्शे न जाएंगे। बुराई जिन में चारों होंगी वो दोजख में जाएंगे। हुआ फिर हुक्म खालिक नूह की कश्ती की लकड़ी से इबादत के लिए जूदी पे एक मस्जिद बना लीजिए। बनाई नूह ने मस्जिद वहीं बस्ती में वो ठहरे उन्हीं में साम याफस हम तीनों थे पिसर उनके। वहां कुछ रोज रहकर नूह ने रब की इबादत की जो उनके साथ में मोमिन थे उन सबको हिदायत की। कहा शैतान खुला दुश्मन है उससे हर घड़ी बचना। पनाह लेना खुदा की और उसके कहर से डरना। खुदा को राजी रखने ही में बस अपनी भलाई है। खुदा के कहर ने देखो तबाही क्या मचाई है। खुदा ए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। सामईन हजरात, परवरदिगार आलम का हुक्म होता है हजरत नूह को कि इस कश्ती की लकड़ी से इबादत के लिए जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बना लीजिए। हजरत नूह ने वहाँ एक मस्जिद बनाई, उसमें उनके 3 बेटे साम याफस और हाम ये भी शामिल थे। वहाँ कुछ रोज रहकर आपने रब की इबादत की। उसके बाद जब हजरत नूह की उम्र 950 साल की हुई तो आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए और फिर जो उनके 3 बेटे रह गए उनमें साम ने मुल्क अरब में अपना घर जाके बसाया, याफस ने तुर्किस्तान को आबाद किया और हाम ने आकर हिंदुस्तान में हिंद में अपना ठिकाना बनाया। उन्हीं 3 की आल औलाद से आबाद है ये दुनिया। ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसी को
عابد ہو گیا کوئی اور کوئی غیر کو پوچھنے لگا، ہمیشہ سے ہے شیطان دشمنے نسل آدم کا، وہی بچتا ہے جو بندہ ہے مومن رب عالم کا۔ سامعین حضرات، حضرت شوق وزیر گنجوی صاحب آخری بند میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ سنیے۔ اس کیسٹ کے بعد ہم حضرت پیغمبر یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیں گے جو کچھ دن کے بعد آئے گا۔ اس میں آپ حضرت یونس پیغمبر کا وہ واقعہ جو مچھلی کا ہے بڑی ہی خوبصورت الفاظ میں سنیں گے، جس کو حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے ہی لکھا ہے، لیکن انتظار کیجئے اس کیسٹ کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا یہ آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ سن کر واقعہ اے دوستو اتنا سمجھ جانا، یہ دنیا خواب ہے شیطان کے کہنے میں مت آنا، کرو اس کی عبادت جو خدا معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا ہے اور وہی معبود ہے سب کا، وہی خالق وہی رازق وہی مشکل کشا سب کا، کہ طوفان حوادث میں وہی ہے نا خدا سب کا، اسی کے ہاتھوں میں ہے زندگی اور موت بندوں کی، وہی دیتا ہے عزت اور وہی دیتا ہے ذلت بھی، حسد حرص و تکبر سے بخل سے دور ہی رہنا، خدا کو جو بری معلوم ہو وہ بات مت کہنا، تعصب بغض و کینہ اور عداوت مت رکھو دل میں، محبت اور خلوص اخلاق کا جذبہ بھرو دل میں، کسی پر بے خطا ظلم و ستم ہرگز نہیں کرنا، قیامت آنے والی ہے خدا کے خوف سے ڈرنا، یقین جانو کہ جس دن موت کا طوفان آئے گا کسی کا بھی سفینہ ہو بھنور میں ڈوب جائے گا، دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، غم کو دور کر دے دین و دنیا کی مسرت دے، دنیا کی مسرت دے، ہم کو دور کر دے دین و دنیا۔